अस्सलाम वालेकुम, ब्रांड ऑनलाइन स्टोर की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद। आज हम एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग तो नहीं, प्रोडक्ट के रिव्यू करें, इसके बारे में बताएंगे कि ये प्रोडक्ट कैसी है, कैसा काम करती है और क्या इसका रिजल्ट वगैरह है। ये मोबाइल का एक तरह से जूम वाला लेंस है, तो जो है इससे लगाते हैं, लगा के चेक करते हैं इसका क्या रिज़ल्ट है, वो भी चेक करते हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो वो निकालते हैं। ये इसका एक ट्राइपॉड है, ये इसका ट्राइपॉड है जिसके ऊपर ये स्क्रू दिया हुआ है फिटिंग वगैरह के लिए। ये इसका मेन लेंस आ गया, ये दोनों साइड से कवर हुआ है। अच्छा, ये लेंस का इसका ये ऑप्टिकल जूम है, आपको करीब से मैं इसका व्यू दिखा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा इसका फिनिश है। और फुल ये एल्युमिनियम बॉडी पे है, काफ़ी वेट है इसका। इसी तरह इसका जो है ट्राइपॉड भी सेम ऐसे ही एल्युमिनियम बॉडी पे है और काफ़ी अच्छा मटेरियल है। इसके अलावा इसमें और आगे आपका ये ब्रैकेट है और ये मोबाइल और इसको लगाने के लिए ब्रैकेट है और ये इसका यूज़र मैनुअल है। इस तरह से ये लगेगा। इसमें और भी कलर्स हैं, गोल्डन, ब्लैक, पिंक और ये वाला सिल्वर है। ये फैब्रिक है इसकी सफाई वगैरह के लिए। इसका बॉक्स है, वो सॉरी बैग है, चलो ये सारी चीज़ें करें, चेक करते हैं। पहले तो इसको इसमें सेट करते हैं, इसको लगा के स्क्रू टाइट कर दिए। अगर ये आपको डायरेक्टली इसमें लगाना है तो ये इसके लिए, ये आपने डायरेक्ट इसमें लगा के उसके बाद अगर कोई चीज़ मतलब मोबाइल में या किसी चीज़ में यूज़ करना है या तो ये उसके लिए। इसको वैसे ही चेक करते हैं, इसमें कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा, आँखों से भी दिख रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा करीब इसने कर दिया, तो मुझे ये उसके लिए तो खैर नहीं है। चलें इसको मोबाइल पे ट्राई करते हैं। ईयरिंग इसका मतलब जो ये सिर्फ आपको डायरेक्टली अगर ये लेंस को लगाना है तो उसके लिए, तो ये मोबाइल के लिए ये आपका इसका होल्डर है, इसको फिट करते हैं। बस ये ख्याल करें अगर आप लोग कभी परचेज़ करें तो इसके थ्रेड जो बने हुए चूड़ियाँ तो वो सही हो, ऐसा नहीं हो कि गलत लग जाए तो फिर ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। चल आ जाते हैं इसके इस वाले सेक्शन पे। ये सेक्शन के लिए मोबाइल ले लेते हैं, मोबाइल को लगाना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा जो है आपने पहले इस हिस्से को पकड़ा इसके साथ, उसके बाद फिर आपको लेंस को एडजस्ट करना है। इसको पहले कैमरा खोल लेता हूँ ताकि जो है ये एडजस्ट कर सकूँ इसके हिसाब से। तो ये अगर के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो सके होगा तो ये सेंटर में नहीं आएगा, ये जूम नहीं कर पाएगा। ये कैट आई की तरह ये जूम कर रहा है तकरीबन, एडजस्ट करके यहाँ पे इसको टाइट करना पड़ेगा।
इसके नीचे स्क्रू हमने टाइट कर दिया। हम वैसे ही चेक करते हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ये मेरे वहाँ सामने बॉक्स रखा है, इसको इसने जूम कर दिया और ये बॉक्स मैंने रखा हुआ है, ये इसमें इसने, ये असल में इसका मैक्सिमम जूम है, इसने इसको जूम कर दिया। ये लेंस एडजस्ट करने पे जूम आउट हो रहा है। ये देखिए, ये इसको जूम आउट हो गया, ये जूम इन हुआ, सही है इसका रिज़ल्ट, अच्छा है। बस ये कि छोटा सा एक स्पॉट बना दे रहे, तो जो कि ये मतलब एक अच्छी बात नहीं है, पूरे कैमरे को ये कैप्चर नहीं कर पा रहे। और अगर वीडियो पर आए तो वीडियो पे भी सेम यही मसला है कि ये पूरे कैमरे को कवर नहीं कर पा रहे। ये इसकी अपने एक रेडियस है तो जिसको ये कवर कर पा रहा है, जिसकी वजह से मतलब अगर देखा जाए तो इसका वो रिज़ल्ट नहीं है जो असल में इसका होना चाहिए। तो बाकी ये वैसे दूर के जूम के लिए बहुत अच्छा है, ये आप देख सकते हैं इसमें दूर के वो बॉक्स रखा हुआ, तकरीबन यहाँ से 7 फीट दूर है ये, और ये बिल्कुल क्लियर है, एक एक वर्ड इसका क्लियर दिखा रहा है ये। दूर के जूम के लिए ये बहुत अच्छा है। इसको आप इस ट्राइपॉड में फिट करके, बस इसको लगाने के बाद ये कि हाथ भी नहीं हिलना चाहिए, वरना हाथ जितना मूव करेगा तो ये जूम के टाइम पे इतना ज़्यादा ये मतलब हिलता रहेगा, तो आप पिक्चर के रिजल्ट वगैरह सब ख़राब होता रहेगा। लेकिन ये इसका फाइनल लुक है कि इस तरह से ये दिखेगा, जो कि दिखने में तो बहुत अच्छा खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। लेकिन रिज़ल्ट के हिसाब से इसमें वो मज़ा नहीं है जिस तरह होना चाहिए। तो हो सकता है अब मोबाइल का भी फ़र्क होता है, हर मोबाइल में एडजस्ट नहीं हो सके, किसी में हो जाए किसी में नहीं हो सके। तो जो है इस बारे में तो और मज़ीद किसी और मोबाइल पे ट्राई करके फिर देखना पड़ेगा, तो उसके बाद ही इसका सही रिज़ल्ट पता चलेगा कि सब में ये मसला कर रहा है या जो है किसी में ये सही भी चल रहा है। तो प्रोडक्ट के लिहाज से इसकी प्राइस तकरीबन 2,500 रुपये थी, तो जो है प्रोडक्ट के लिहाज से, प्राइस के लिहाज से मटेरियल तो ये सही है, प्रोडक्ट ये सही है, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है, जो मेन इसका जो फंक्शन है, जो इसको जूम करना है, वो सारी चीज़ें, वो जूम भी ये सही कर रहा है। बस मसला ये है कि इसका जो रेडियस है, ये देखें आप कैमरे में, ये ऊपर का हिस्सा, ये हिस्सा जो है इसने ब्लैक कर दिया, तो ये चीज़ एक सही नहीं है, ये इसकी वजह से ये इसका रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा कारामद चीज़ नहीं है, और बाकी प्राइस भी इसकी सही है मटेरियल के हिसाब से। तो अभी तक के लिए इतना ही आज की ये रिव्यू वाली वीडियो में। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और मज़ीद इंशाल्लाह वीडियो में मिलते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।